राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय हो श्री राम जय राम नाम महाराज जय जय सीताराम जय जय श्री राधेश हर हर महादेव हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो राजकोट नगर में स्थित संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा प्रेरित अखंड हरिनाम संकीर्तन के 10,000 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस कायाकल्पित इस मंदिर में बैठ करके पूज्य संतों की सन्निधि में बैठ करके श्रीमद् रामचरित मानस में नाम वंदना के अपूर्व विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज प्रेम मूर्ति अनंतश्री संपन्न श्री कश्मीरी बाबा जी का पुण्यतिथि महोत्सव है। आज पूज्य श्री कश्मीरी बाबा जी महाराज की पुण्यतिथि है। आज पूर्वान्न काल में मध्याह्न में 10 बजे से 12 बजे तक श्री बाबा महाराज का पूजन हुआ, श्री नाम महाराज का सविधि पूजन हुआ और आज अपराह्न कालीन गोष्ठी में पूज्य श्री गोंडल वाले महाराज जी कृपा करुणा करके पधारे हैं।
हमारे यहां शास्त्र वचन है आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम्। वेद का अनुशासन है, वेद का उद्घोष है, पुत्र पिता की आत्मा ही होता है। बिंदु सृष्टि में पुत्र होता है और नाद सृष्टि में शिष्य होता है। दो प्रकार की सृष्टि है, एक नाद सृष्टि और एक बिंदु सृष्टि। बिंदु सृष्टि प्रवृत्ति मार्ग की परंपरा, गृहस्थाश्रम की परंपरा, ये बिंदु सृष्टि है। और मंत्रोपदेश मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम ये नाद सृष्टि है। नाद सृष्टि के सिद्धांत के अनुसार जैसे बिंदु सृष्टि में पुत्र पिता का आत्मा ही माना जाता है, ऐसे ही नाद सृष्टि में शिष्य गुरु का आत्मा ही माना जाता है। आज काश्मीरी बाबा के का अर्चन हम लोगों ने श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के रूप में किया। प्रेम भिक्षु जी का अर्चन श्री काश्मीरी बाबा का ही अर्चन है, क्योंकि शिष्य गुरु का आत्मा ही होता है। ठीक इसी सिद्धांत के अनुसार सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के नाद सृष्टि के उनके कृपाभाजन पूज्य श्री गुंडल वाले महाराज जी पधारे हैं। यह छवि भी लगी है जिसमें श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज एक साथ खड़े हैं, पीछे ही छवि है। इधर है तो श्री सद्गुरुदेव भगवान का और श्री पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का परस्पर बहुत प्रगाढ़ प्रेम था और उसी स्नेहानुबंध से श्री महाराज जी भी कृपा करके हमने अनेकों बार दर्शन किया है। यहाँ के उत्सव में अत्यंत कृपा करुणा पूर्वक महाराज जी पधारते हैं, तो आज हम सब यही अनुभव करें शिष्य गुरु का आत्मा ही होता है। आज हम सब यह अनुभव करें कि आज श्री काश्मीरी बाबा के पुण्यतिथि महोत्सव पर पूज्य श्री हरिचरण दास जी महाराज के रूप में सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज भी पधारे। हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं, महापुरुषों की अत्यंत सहज सरल वाणी में हम लोगों के कल्याण की बात सामने आ जाती है। कितने संक्षिप्त और सरल शब्दों में महाराज जी ने ये बात कह दी कि इस कलिमल ग्रसित प्राणियों के परम कल्याण के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। और उन्होंने वेद शास्त्र पुराण इतिहास आगम निगम के संपूर्ण मर्म को सार सर्वस्व को भाषा ग्रंथ के रूप में, द्वादश काव्यों के रूप में, अपने द्वादश ग्रंथों के रूप में प्रकट कर दिया और अपने समग्र जीवन में इस जीव जगत के परम कल्याण के लिए जो कुछ किया जा सकता था उसमें गोस्वामी जी महाराज ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सारे जीवन विचरण करते रहे, संपूर्ण भारतवर्ष का विचरण किया, संपूर्ण तीर्थों का विचरण किया और तत्कालीन बादशाह अकबर को भी नतमस्तक किया। संतों के चित्त में लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति की कामना नहीं होती,
क्योंकि सकल कामनाहीन जे राम भगत ये सकल कामनाहीन होते हैं। लौकिक पारलौकिक भोगों की तो चले क्या, वे चरम पुरुषार्थ मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, मोक्ष के प्रति भी उदासीन रहते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो अति दुर्लभ मोक्ष के प्रति भी जब वे उदासीन है, मोक्ष भी उन्हें नहीं चाहिए, फिर उनके विचरण का हेतु क्या है? ऐसे संतों के विचरण का हेतु है हमारे जैसे मलिन जीवों के ऊपर कृपा करना, अनुग्रह करना, हम सब जीवों पर कृपा करुणा करना, यही संतों के विचरण का हेतु है। आप विचार करें, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज मिथिला की भूमि में ही भजन साधन करते रहते, यहां विचरते हुए सौराष्ट्र की भूमि में न आते, तो इतने जीवों को भगवान नाम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता? संतों के विचरण का हेतु यही है, इसलिए संत भगवत संकल्प से विचरते हैं, उनके भीतर अपना संकल्प नहीं होता है, भगवान जहां जब ले जहां ले जाए, भगवत संकल्प से संतों का विचरण होता है। तो अपने संपूर्ण जीवन में उन्हें जो कुछ करना चाहिए था उन्होंने सब कुछ किया, और अंतिम क्षण में अंतिम महावाक्य भी कह दिया। आपके द्वादश ग्रंथ हैं, आपने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ किया, हो सकता है एक वक्ता अनेकों प्रकार के की चर्चाएं बातें अनेकों प्रसंगों में कहता है और बाद में वे सब कही सुनी जाती हैं, तो किसी हमारे जैसे मंदमती व्यक्ति के चित्त में भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है कि अरे वहां तो ये कहा था, अरे यहां ये कहा, अरे वहां ये कहा था, अब यहां ये कहा, अब ये माने कि वो माने। नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम, कोई ऐसा महात्मा नहीं है जिसकी वाणी प्रमाण न हो। अपने अनुभव से संतों ने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है। तो हे गोस्वामी जी महाराज, कहीं आपकी दुहाई देकर कोई, वैसे ऐसी कोई बात है नहीं गोस्वामी जी के साहित्य में जिसको पढ़कर जीव भटक जाए, पर कथंचित कोई ऐसा मंदमती है जो गोस्वामी जी की दुहाई देकर अन्य किसी मार्ग में भटकना चाहता है, तो हे तुलसीदास जी महाराज, आप हम जीवों के परम हित की आखिरी बात कह दीजिए। तो कवित्व तो महाराज जी बोल चुके हैं, पुनः उसका उच्चारण नहीं करना है। आखिरी महावाक्य गोस्वामी जी ने कहा, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए, जन्म जो सुधारो जाओ श्री राम नाम लीजिए। यदि जीवन जन्म सुधारना चाहते हो, जीवन को सार्थक सफल बनाना चाहते हो, तो श्री राम नाम लीजिए। श्री राम नाम जप यज्ञ की शरण हो जाइए। पूर्वान्ह में अशोक जी कह रहे थे, हैं संकीर्तन प्रेमी श्री अशोक भयाणी जी नाम है, हाँ अशोक भयाणी जी कह रहे थे, प्रेम वारी तर्पण भलो है वाह। अब वह प्रसंग दूसरा हो जाएगा, यद्यपि विनय पत्रिका जी का यह गोस्वामी जी का वाक्य है, बाकी गोस्वामी जी ने विचार किया कि सनातन धर्म यज्ञ संस्कृति में प्रतिष्ठित है,
सनातन धर्म यज्ञ रूप है, सर्वम यज्ञ प्रतिष्ठितम, सब कुछ यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भी प्रजा की सृष्टि के साथ यज्ञ की सृष्टि की। श्रीमद् भगवद गीता जी में सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्वश्य ध्वम अयम वो स्विष्ट काम भूख कहकर के श्री भगवान ने कहा है कि यज्ञों के सहित प्रजा की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। प्रजाओं की समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला यज्ञ है। यज धातु से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है। यज धातु के तीन अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। कितने अर्थ हैं? जहां शास्त्र विधि से देवताओं का पूजन हो, संगतिकरण हो, संगतिकरण माने सत्संग हो, और दान हो। ये तीन काम शास्त्र विधि से जहां संपादित हो उसे यज्ञ कहा जाता है। देव पूजा हो, संगतिकरण हो और दान हो। पर वर्तमान युग की भयंकर परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई हैं कि जहां पूर्ण विधि से, शास्त्र विधि से यज्ञ का अनुष्ठान हो जाए इसमें बड़ी कठिनाई है। देश की शुद्धि नहीं है, काल की शुद्धि नहीं है, मंत्र की शुद्धि नहीं है और द्रव्य की शुद्धि नहीं है, पदार्थ की शुद्धि नहीं है। यज्ञ में यजमान की पात्रता क्या है, यज्ञ में आचार्य की पात्रता क्या है, यज्ञ में ऋतुजों की पात्रता क्या है, इस सब का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। और उन परिभाषाओं पर विचार किया जाए तो जिस प्रकार के आचार्य को यज्ञ के लिए विहित बताया है, विधान किया है शास्त्र ने, उस कोटि के आचार्य मिलना इस युग में कठिन है। यजमान की जो पात्रता कही गई है उस कोटि के यजमान मिलना कठिन है। आप लोग अन्यथा नहीं मानना, भले ही हमारा उत्तम कुल में जन्म है, हम यज्ञ पाठ पूजा हवन आदि में बैठ सकते हैं, हम दुहाई दें कि हम अमुक कुल में पैदा हुए हैं, हमारी पात्रता है, हम बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप द्विजाति हैं बैठ सकते हैं, पर आपके यज्ञोपवीत है, आपके शिखा है, पांडे जी, दुबे जी, चतुर्वेदी जी बनते हैं और हैं भी, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो शिखा सूत्र होना चाहिए कि नहीं? मनु महाराज कह रहे हैं मनुस्मृति में, सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च युशिखा व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्। हम लोग सब मनु जी के सिद्धांत को, उनकी विधि व्यवस्था को मानने के कारण ही मनुष्य हैं। और मनु जी आचार संहिता बता रहे हैं, बोले सदा यज्ञोपवीत और शिखा से युक्त होना चाहिए। कहते चोटी और जनेऊ न हो तो, बोले बिना शिखा और बिना यज्ञोपवीत के जो कुछ भी पूजा पाठ यज्ञ हवन कर्म कांड किया जाएगा वह व्यर्थ हो जाएगा। यत् करोति न तत्कृतम्। अब बताओ पूजा पाठ में बैठने वालों के कितने की चुटिया है, कितने के जनेऊ हैं? अब तो महाराज जी ऐसी स्थिति आ गई है,
कि आचार्य तो करने वाले कितने विद्वान ब्राह्मण छोटी नहीं रखते, और केवल शिखा सूत्र से ही काम नहीं, शिखा सूत्र के साथ विधिवत संध्या वंदन होना चाहिए। संध्या वंदन नहीं कर रहे, बड़े बड़े वक्ता भी संध्या नहीं कर रहे। संध्या ये नन विज्ञाता, संध्या ये नानुपासिता, शशूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणः, सर्वस्मात् द्विज कर्मतः। बोले जो संध्या नहीं करता, संध्योपासन नहीं करता, बोले उसको बहिष्कार कर देना चाहिए द्विजाति कर्म से, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। हमारे निवेदन का तात्पर्य है, यजमान में पात्रता नहीं है, आचार्य में पात्रता नहीं है, जो परिभाषाएं हैं वे ठीक ठीक घटित नहीं हो पा रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब बंद कर देना चाहिए, यथा साध्य शास्त्र विधि का पालन करते हुए करना चाहिए, लेकिन समस्या इस बात की है कि देश काल पदार्थ की शुद्धि इस युग में प्राप्त हो जाए कठिन है। हम यज्ञ करते हैं, उसमें जो तिल जौ चावल का प्रयोग होता है वो केमिकल वाले खाद से, रासायनिक खाद से उत्पन्न किए हुए तिल जौ चावल हैं। आप सब जानते हैं ये विदेशी रासायनिक खाद फर्टिलाइजर, इसमें फास्फोरस खाद जो होता है वो हड्डी से प्राप्त होता है। फास्फोरस जो है हड्डी से निकलता है, फास्फोरस भी किसान डालता है खेत में, और वे हड्डियां कहां की होती हैं? जो धर्म प्राण भारत देश में जो अतिशय कलंक की बात है कि 50-60 हजार गोवंश सूर्योदय के पूर्व तक काट दिया जाता है, जिसमें ब्राह्मण सूर्यार्घ देते हैं, संत सूर्यार्घ देते हैं, उस समय तक तो ये धरती रक्त से ना उठती है। कई साल पुराने आंकड़े हैं 50-60 हजार गोवंश के, अब तो बढ़ गया है। ये तो बड़े बड़े घोषित यांत्रिक कत्लखानों में ये दशा है, और अघोषित कितने चल रहे हैं उनकी कोई गणना नहीं है। वे हड्डियां बूचड़खानों की, उन हड्डियों से फास्फोरस तैयार होता है, रासायनिक खादों, ये सब हड्डियां बिक जाती है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि तिल जो चावल में भी गोवध के परमाणु हैं, और घी, शुद्ध घी, देसी घी के नाम पर आप 10 टन चाहें तो 10 टन मिल जाएगा आपको। गाय है नहीं, दूध मिल नहीं रहा है, सिंथेटिक दूध बनने लग गया, पाउडर वाला दूध आ गया, गाय है नहीं, फिर इतना दूध कहां से आया? और जब दूध नहीं आया तो घी कहां, जब दूध ही नहीं मिल रहा है तो घी कहां से आया? आप सबसे छिपी हुई बात नहीं है, चर्बी युक्त घी बाजारों में आ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां चर्बी युक्त घी बना रही हैं, विदेश से पाम ऑयल आयात किया जा रहा है, और 30% पाम ऑयल मिलाने की तो सरकारी आज्ञा है, वैध है, 30% पाम ऑयल घी में मिलाया जा सकता है, और कंपनियां मिला रही हैं। पाम ऑयल ना तो घी है और ना ही तेल है। वह कोई बहुत पवित्र पदार्थ नहीं है जो घी में मिलाया जा रहा है, और हम यज्ञ भोज भंडारा उत्सव महोत्सव के नाम पर उसी घी की मिठाइयां बना रहे हैं जिसमें गाय की चर्बी मिश्रित है। आप विचार कीजिए, जिस घी में गाय की चर्बी मिश्रित हो वह घी आहुति देने के योग्य है? उस घी से आहुति देने से देवताओं का बल बढ़ेगा कि राक्षसों का बल बढ़ेगा?
किसका बल बढ़ेगा? रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा कि सतोगुण बढ़ेगा? तमोगुण की वृद्धि होगी। तब क्या करें? अरे भैया, इस कलयुग के लिए ही ठाकुर जी ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। ये कलिमल ग्रसित जीवों के लिए ही कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। इसलिए श्री राम नाम संकीर्तन महायज्ञ यही इस कलिकाल में सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है। इसमें देश काल और पात्र अपात्र का विचार नहीं। अभी महाराज जी कह रहे थे चाहो युग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, चाहो युग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, कली भी देश में आन कली भी देश नहीं आन पाओ। ऐसा नहीं है कि कलयुग में, चहुं युग चारों युगों में और चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, कली में विशेष क्यों है? बोले कलिकाल में सब अशुद्ध हो चुका है, सब मिलावटी हो चुका है। कहां तक कहें राम जी, मनुष्य में मिलावट आ गई, वर्ण संकर हो गया, आदमी में मिलावट हो गई। अब मिलावटी आदमी क्या करेगा? वो मिलावट ही करेगा। जिसमें खुद में मिलावट है वो शुद्ध चीज कैसे देगा? खुद ही मिलावटी है तो वो बिना मिलावट किए मानेगा नहीं, क्योंकि वो स्वयं में मिलावटी है। पर हम आपसे पूछें, हर चीज में मिलावट हो गई है, श्री राम नाम में मिलावट संभव है? श्री राम जय राम जय जय राम में मिलावट संभव है? घोर से घोर कलिकाल के आने पर भी राम नाम में मिलावट संभव? चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष, कलयुग में विशेष इसलिए है, नहीं आन हो पाओ। इसलिए अपनी अविद्या माया को शाकिल्य बनाकर होम दो, नाम यज्ञ में दीक्षित हो जाओ। इसमें देश काल और पात्र अपात्र का विचार नहीं है। और महाराज जी, यज्ञ शब्द का पूरा अर्थ संकीर्तन में घटित हो जाता है। अभी हम निवेदन कर रहे थे कि यज धातु से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है, और यज धातु के तीन अर्थ हैं। बहुत आवश्यक हो किसी को उठना तभी उठे बैठे, कथा शुभारंभ होने के बाद फिर अनेक लोगों को लांग कर कुचल कर आगे बढ़ना या बार बार उठना, ये इसमें अमर्यादा है, और कहने वाले को भी विक्षेप होता है, सुनने वालों को भी विक्षेप हो जाता है। काशी के एक बहुत अच्छे महापुरुष हैं पूज्य डॉक्टर श्रीनाथ जी शास्त्री, रामचरितमानस के अनुपम वक्ता हैं, रामायण के बड़े विद्वान हैं। पूज्य श्री मुरारी बापू जी ने उनको बुलाया और उनकी कथा सुनी। बापू जी माला जप रहे थे और बड़े बड़े दाने का उनका माला है, माला की खटखट आवाज हो रही थी। उन्होंने कहा आप केवल कथा सुनिए, मत जपिए, हमको विक्षेप होता है। और पूज्य बापू ने श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया, बिल्कुल ठीक, जप माला का शब्द भी सत्संग में सही नहीं है। हमारे निवेदन करने का मतलब है, जप माला का शब्द भी यदि विक्षेपक हो रहा है तो मानसिक नाम जप करना चाहिए। माला भी यदि खट खट कर रही है तो माला भी उतनी देर के लिए माला जी को भी पौढ़ा देना चाहिए, आप पौढ़ जाओ, विश्राम करो, मानसिक नाम जप करना चाहिए। आप सब मर्यादित हैं, फिर भी बार बार लोग उठ बैठ रहे हैं, इसलिए थोड़ा हमने कहा। हाँ, हम अपने विषय पर आ जाएं। यज धातु के तीन अर्थ हैं।
नहीं नहीं आप तो पहले ही कह चुके हैं।